hello students how are you all hope you are fine and safe at your place so let's start today's class today's class for class 3rd subject english grammar and the book name is pc rands so today we are going to start with chapter 17 okay so we will study chapter 17 and lecture 1 of chapter 17 and the topic is short forms topics to be covered in this lecture we will do explanation rules and book exercises ओके सो लेट्स बिगेन स्टूडेंट्स टूडे वी विल स्टडी अबाउट शॉर्ट फॉर्म्स ओके चैप्टर 17 विच इज ऑन पेज नंबर 67 सेवन ओके सो शॉर्ट फॉर्म्स बेटा जो हम वर्ड जो हमारी फुल फॉर्म्स होती हैं उनको हम शॉर्ट करके लिखते हैं छोटा करके लिखते हैं उसे हम शॉर्ट फॉर्म्स बोलते हैं ओके लाइक समटाइम्स वी स्क्वीज़ अ वर्ड टू मेक इट शॉर्ट ओके स्क्वीज मींस छोटा करना ओके okay? जो हमारी फुल फॉर्म्स होती हैं या जो वर्ड्स हमारे बड़े होते हैं उनको हम शॉर्ट मीन छोटा करके कैसे लिखते हैं वो होती है हमारी शॉर्ट फॉर्म्स ओके नाउ एग्जाम्पल इंस्टेड ऑफ डू नॉट वी ऑफन यूज डोंट ओके डू नॉट के बजाय बेटा हम ज़्यादातर या आप कह सकते हो अक्सर हम डोंट का यूज़ करते हैं तो डू नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है हमारी डोंट ओके नाउ दीज वर्ड्स आर ऑल्सो कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शंस और शॉर्ट फॉर्म्स इन वर्ड्स को जो शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं बेटा उन वर्ड्स को हम कॉन्ट्रेक्शन भी बोलते हैं और शॉर्ट फॉर्म्स भी बोलते हैं डोंट इज़ अ कॉन्ट्रेक्शन नोटिस दैट वी हैव पुट एन अ ऑन द टॉप आफ्टर द एन अब हमने एन के बाद अपोस्ट्रॉफी यूज़ की बेटा एंड नॉट यूज़ द ओ और ओ यूज़ नहीं किया है ओ यहाँ पे नहीं लिखा है इन अ इज़ यूज इन द प्लेस ऑफ द मिसिंग लेटर्स So, जो हमारा पोस्ट्रोफी है बेटा वो हम मिसिंग लेटर्स की जगह वहां पे पोस्ट्रोफी यूज करेंगे ओके वी वी राइट शी इज आर एंड आई एम एज एम ओके बेटा सो ये हमारे जो आ, हम ज्यादातर या अक्सर हम जो शीज है बेटा उसको हम शॉर्ट फॉर्म में शीज लिखते हैं ओके वी आर को वेयर, एंड आई एम को एम ओके सो आपने नोट किया होगा बेटा कि हमने जो शी इज था जो सेकेंड वर्ड होता है जैसे हमारा शी इज में इज हमारा सेकेंड वर्ड हो गया वी आर में आर हमारा सेकेंड वर्ड हो गया आई एम में एम हमारा सेकेंड वर्ड हो गया सो so हमने उसमें सेकेंड वर्ड का जो फर्स्ट लेटर होता है उसी को ही रिमूव किया है बेटा और उनकी जगह पोस्ट यूज़ किया है अगर आप नोट कर रहे होगे तो वो हमारे जो आगे के वर्ड्स है सेकेंड वर्ड जो है आगे का जो लेटर है वो सारे वोवल्स है देखो इसका आई हमने रिमूव किया है ओके okay? और यहाँ पे पोस्ट लगा के एस लिखा है सो इट बिकम शीज वी आर का देखो हमने आर रिमूव किया है और पोस्ट लगाया है सो वी आर एज वेर ओके एंड एम का देखो हमने ए रिमूव किया है पोस्ट लगाया है, सो एम एस आई एम एज एम ओके सो ये हमारे वोवल्स ही देखो हमने रिमूव किए हैं सेकेंड वर्ड के जो फर्स्ट लेटर वो हमारे वोवल्स ही रिमूव हुए हैं बेटा बट जा ऐसा नहीं है कि सभी में वोवल्स ही रिमूव होंगे या सेकेंड वर्ड के से जो वोवल्स हैं वही वो रिमूव होंगे ऐसा नहीं है हमारे इंग्लिश में कुछ एक्सेप्शन्स भी होते हैं बेटा सो लेट्स सी दोज इन द टेबल ओके अब हम वो टेबल में देखते हैं कि कौन कौन से हमारे एक्सेप्शंस हैं और कौन कौन से हमारे वोवल रिमूव हुए हैं ओके okay? हेयर वी रिमूव द आई एंड ए एंड यूज़ द पोस्ट ऑफी इंस्टेट उसके बजाय बेटा जैसे कि मैम ने आपको बताया कि शी इज में हमने आई को रिमूव किया है वी आर में हमने आर को ए को रिमूव किया है एंड आई एम में भी हमने ए को रिमूव किया है ओके okay? और उसके बजाय हमने क्या यूज़ किया है पोस्ट ऑफी ओके लुक एट द टेबल फॉलोइंग टेबल्स नाउ लेट सी दी द टेबल बेटा तो द शॉर्ट फॉर्म ऑफ इज़ कैन बी सीन बिलो अब यहाँ पर देखो हमने जो इज़ के शॉर्ट फॉर्म कैसे आपको करना है इज़ यूज़ आप देखो यहाँ पर वर्ड्स ही इज़ शी इज़ ओके सो आपको मैम ने एक्सप्लेन किया था कि बेटा जब भी हमारा सेकेंड वर्ड अगर हमारा होता है टू वर्ड्स में से ठीक है टू वर्ड्स का हम एक सिंगल वर्ड बना रहे हैं सो so हम यहाँ पर देखो इज़ को कैसे शॉर्ट फॉर्म में करेंगे आई आई को रिमूव करेंगे वहाँ पर पोस्ट ट्रॉफी यूज़ करेंगे ओके सो आए जैसे कि मैम ने आपको एक्सप्लेन आप किया था कि हमारा वोवल है ओके okay? सो so, हमने हमारा सेकंड वर्ड में स्टार्टिंग का वोवल है तो वोवल को हमने रिमूव किया और वहाँ पे यूज़ किया पोस्ट्रोफी तो ही इज इट बिकम हीज शी इज शीज़ ओके नाउ लेट्स सी द यूज़ ऑफ आर द शॉर्ट फॉर्म ऑफ आर इज़ एज सीन बिलो ओके आप देखो यहाँ पे आर के शॉर्ट फॉर्म्स देखने बेटा कि आर का शॉर्ट फॉर्म कैसे यूज़ करोगे आप वर्ड्स दे आर वी आर सो अब यहाँ पे भी देखो सेकेंड वर्ड जो हमारा है वो ए से वोवल से शुरू हो रहा है ओके okay? सो so, हम ए को रिमूव करेंगे एंड वी विल राइट आर ई आर ई एंड ए की जगह हम पोस्ट लगाएंगे सो इट विल बिकम देर वेर ओके सो दे आर देर वी आर वेर ओके सो आपको ऐसे यूज़ करने बेटा आपने देखो यहाँ पे एज वाला जो आपका शॉर्ट फॉर्म था और आर वाला जो शॉर्ट फॉर्म है उसमें आपने वोवल्स को ही रिमूव किया है जो आपके सेकेंड वर्ड में स्टार्टिंग का जो वोवल है उसको रिमूव करके आपने पोस्ट यूज किया है ओके नाउ लेट्स मूव टू पेज नंबर सिक्सटी एट सो एज आई है इन द इंग्लिश सो नाउ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ नोट इज एज सीन बिलो यहाँ पे देखो बेटा अब हम नोट का शॉर्ट फॉर्म देख रहे हैं कि आपको नोट जहाँ पे यूज होता है तो आपको उसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे चेंज करना है ओके हाउ विल यू चेंज नाउ सी द वर्ड्स कैन नॉट कुड नॉट डू नोट सो यहाँ पे जो हमारा सेकेंड वर्ड है वो है नोट ओके okay? अब ये वोवल से भी स्टार्ट नहीं हो रहा है राइट right? सो so ये हमारे एक्सेप्शन हो गए कि अब हमें हाँ जो नोट को चेंज करने के लिए मतलब शॉर्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए वी विल वी विल रिमूव ओ ओके okay? पर वो भी हमारा वोवल हो गया बट यहाँ पे देखो हमारा वो स्टार्टिंग में नहीं आ रहा है वोवल ओके वो सेंटर में आ रहा है एन ओ टी के बीच में आ रहा है बेटा एन ओ टी हमारे कॉन्सोनेंट लेटर है ओके so, इसलिए इसको एक्सेप्शन बोला गया है कि जरूरी नहीं है कि हर जो हमारे लेटर्स सेकेंड वर्ड्स होते हैं उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो वोवल हो ओके okay, इसीलिए देखो यहाँ पे जो नोट है वो हमारा वोवल नहीं है स्टार्टिंग का वर्ड एन है इसलिए वो हमारा कॉन्सोनेंट है पर जो सेंटर वाला जो वर्ड है वो उसको हम रिमूव करेंगे सो इसलिए आपको इजी हो जाएगा लर्न करने की हमारे वोवल को ही रिमूव करना है हमने ओके okay, बेटा कैन नॉट है तो यहाँ पे देखो कांट हो जाएगा ओके okay, यहाँ पे हमने ओ को रिमूव किया है और पोस्ट्रोफी लगाया है कुड नाट का देखो बेटा कुड नोट का भी आपने ओ को रिमूव किया न पोस्ट्रॉफी यूज़ किया है डू नोट को भी डोंट डोंट में भी देखो आपने ओ को रिमूव किया न पोस्ट्रॉफी लगाया ओके ओके सो यहाँ पे हमने स्टार्टिंग के जो सेकेंड वर्ड था हमारा स्टार्टिंग का वो लेटर नहीं लिया पर हमने वोवल को ही रिमूव किया है ओके नाव डेड नाट को देखो डिंट डिट में भी हमने ओ को रिमूव किया है और पोस्ट ट्रॉफी यूज किया है शुड नॉट में शुडेंट शुडेंट में भी हमने ओ को रिमूव किया है पोस्ट ट्रॉफी यूज किया बेटा एंड विल नॉट मे वॉन्ट सो हमारा जो विल नॉट वाला है वो थोड़ा सा अलग है देखो उसमें हमने यूज किया है वॉन्ट ओके सो नाउ लेट्स ऑल्व एक्सरसाइज वन राइट कॉन्ट्रेक्शन्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स वन हैज बीन डर्न फॉर यू ओके सो एज़ आई हैव टोल्ड यू दैट वी आर ऑल्सो कॉल्ड कॉन्ट्रेक्शन एंड शॉर्ट फॉर्म बेटा उन्हें शॉर्ट फॉर्म भी बोला जाता है एंड कॉन्ट्रेक्शन्स भी बोला जाता है ओके नाव पार्ट ए हैव नोट सो नोट का आपको ऑलरेडी मैं आपने बताया था बेटा यू हैव टू रिमूव ओ एंड यू हैव टू पुट अ पोस्ट ट्रॉफी सो इट विल बिकम हैव इंट ओके ना सेकेंड बी दे आर सो आर इज देयर एज आई हैव टोल्ड यू द शॉर्ट फॉर्म ऑफ आर इज there okay we will remove a and we will put a apostrophe and we will write R e there okay now see it is so it I have also told you the short form of is we will write it and we will remove I and we will put a apostrophe and we will write s it will become its now D you are again r is there so we will write your okay we will remove a and we will put apostrophe and we will write r your okay now e would not 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 capital i have told you that we will remove o and we will put apostrophe instead of o okay it will become ल आई वेल आपका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है आपको डब्लू और आई रिमूव करना है बेटा ओके एंड यू हैव टू पुट्रॉफी एंड डबल एल ओके इट विल बिकम आई ओके नाव जी शुड नॉट अगेन नॉट इज देयर सो यू विल राइट शुड इंट ओके शुड एज इट इज लिखोगे बेटा आपको नॉट का O remove and you have to put apostrophe okay did not notice there so you will write didn't okay you will remove o and you have to put apostrophe then t okay it will become didn't okay so in this way you have to complete exercise one okay now let's solve exercise two exercise two write the following sentences using the short forms of is आर एंड नोट ओके अब आपको एज आर और नोट की शॉर्ट फॉर्म यूज़ करनी है बेटा वन हैज़ बिन डन फॉर यू एक आपके लिए ऑलरेडी किया हुआ है डू नॉट टॉक ओके डू नॉट टॉक वी विल राइट इन शॉर्ट फॉर्म एंड इट विल बिकम डोंट टॉक ओके नोट की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है बेटा वी विल रिमूव ओ एंड वी हैव टू पुट अ पोस्ट ट्रॉफी ओके हम ओ को रिमूव करेंगे और ओ की जगह हम क्या यूज़ करेंगे पोस्ट ट्रॉफी ओके सो डोंट टॉक now sentence b she is a smart girl but she cannot cook okay so she is ka aapko beta is ka uh, already short form bataya hua ne so it will we will write she is we will remove i and we will put apostrophe and s she is a smart girl but but she cannot is there so we will write can't okay you write can't cook okay full stop शी इज अमार्ट गर्ल बट शी कंट कुक ओके सो हमने यहाँ पे चेंज किया बेटा इज शीज का शॉर्ट फॉर्म किया और कै नॉट का ओके इन सेकेंड सेंटेंस नाउ लेट्स देंटेंस सी इज द टीचर टेल्स अस दैट वी आर अ गुड क्लास ओके सो वी विल राइट द टीचर The teacher tells us that we will change VR, we will write VR short form is where. V and we will remove A and we will put apostrophe RE. Where a good. Sorry. Good class. Okay. So the teacher tells us that we're a, we're a good class. Okay. So we have changed we are as we're. Okay. Now, sentence D you should not talk rudely. So we'll write you shouldn't.

We will change vr as where we will remove a and we will put apostrophe. Okay, so write we're going to meet my grandparents. Okay. So we have changed. We are as where we are going to meet my grandparents. Okay. So in this way you have to complete exercise two beta. Now let's see the previous homework solution first. Then we will discuss about homework. So in chapter 16, can, cannot, should, should not. I had given you two exercises for your homework. That is exercise three and exercise five.

okay now full stop second sentence you can write like this you can i can write yeah i can read okay full stop now third sentence you can write like this i can tie i can tie my shoelaces shoelaces ओके मैं अपने शू लेसेस बांध सकता हूँ फोर्थ यू कैन आई कैन आई कैन रन फास्ट ओके मैं तेज दौड़ सकता हूँ लाइक दिस यू कैन राइट फोर सेंटेंसेस ऑन व्हाट कैन यू डू ओके बेटा नाउ लेट्स सी नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट इज विच इज़ ऑन पेज नंबर सिक्सटी फाइव सो दिस इज पेज नंबर फाइव बेटा वट आर दिंग्स यू कैन यू कैन नॉट डू राइट फोर सेंटेंसेज आपको कैन के ऊपर लिखने थे आप कैन नॉट के ऊपर लिखने बेटे इसमें ओके सो फोर सेंटेंसेस आपको कैन नॉट के ऊपर लिखना जो आप काम नहीं कर सकते ओके सो फर्स्ट सेंटेंस यू कैन राइट लाइक दिस आईट आई कैन नॉट

ओके आई कैन नॉट सॉरी आई कैन नॉट ड्राइव ए कार ओके मैं कार नहीं चला सकता फोर्थ यू कैन राइट आई कैन नॉट फ्लाई ए काइट ओके पतंग नहीं उड़ा सकता सो लाइक दिस यू हैव टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइजेस ओके बेटा these two exercises what can you do and what cannot you do okay now let's see exercise 5 so this is page number 66 i had also given you this exercise beta exercise fifth rewrite the following sentences by changing their forms from positive to negative and vice versa one has been done for you okay beta सो so, आपको जो नेगेटिव सेंटेंस थे उनको आपको पॉजिटिव में चेंज करना है। जो पॉजिटिव थे उनको आपको नेगेटिव में ओके okay? वन आपको ऑलरेडी मैम ने भी कराया था और आपका ऑलरेडी किया भी हुआ है ओके यू शुड नॉट लीव विदाउट टेलिंग योर होस तो यहाँ पे देखो यू शुड इसको पॉजिटिव सेंटेंस में हमने चेंज किया है यू शुड लीव विदाउट टेलिंग योर होस ये ऑलरेडी किया हुआ है आपका सेकेंड मैम ने आपको बताया था आपके क्लास में द फिश कैन स्विम यहां पर कैन है पॉजिटिव सेंटेंस है मीन द फिश कैन नॉट स्विम ओके यहाँ पे कैन का बेटा हम चेंज करेंगे कैनोट की नहीं तैर सकती ओके okay? नाज आशा कैनोट मेक ब्रेकफास्ट फॉर एवरी वन ओके okay? आशा सभी के लिए ब्रेकफास्ट नहीं बना सकती सो यू विल चेंज दिस नेगेटिव सेंटेंस इंटू पॉजिटिव सो विल राइट आशा कैन मेक ब्रेकफास्ट breakfast for everyone every one okay full we'll stop now this sentence i can climb that mountain so can is there means positive sentence so we will write i cannot climb that mountain ओके okay? मैं उस पहाड़ पर नहीं चढ़ सकता सेंटेंस ई राहुल शुड बी एबल टू टेल द डिफरेंस ओके सो शुड सो राइट नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है विल राइट राहुल शुड नॉट सो यहां पे देखो हम फुल फॉर्म यूज कर रहे हैं बेटा अभी हमने शॉर्ट फॉर्म चैप्टर पढ़ा है उसमें हमने शॉर्ट फॉर्म्स लिखी है शुड should का शुडेंट बट यहाँ पे पहले हमने चैप्टर सिक्सटीन में फुल फॉर्म्स यूज किए हैं सो आपको यहाँ पे फुल फॉर्म ही यूज करनी है बेटा राहुल शुड नॉट बी एबल टू टेल द डिफरेंस ओके नाउ सेंटेंस एफ मदर कैन नॉट टेक मी टू स्कूल टुडे ओके कैन नॉट है सो हमें पॉजिटिव में चेंज करना है वी विल राइट मदर कैन टेक मी टू स्कूल टुडे ओके मीन्स मदर मुझे आज स्कूल ले जा सकती है सेंटेंस जी

ओके okay, या फिर हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए सेंटेंस एच ओमार कैन नॉट फास्ट फॉर लॉन्ग आर्स ओके ओमार लंबे समय तक फास्ट नहीं रख नहीं कर सकता ओके okay, सो so यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस है सो so हमें उसे पॉजिटिव में चेंज करना है विल राइट ओमार कैन फास्ट फास्ट मीन्स उपवास ओके बेटा फॉर लोंग आवर्स ओके सोमारास्ट फॉर लौंग आवर्स मीन्स ओमार लंबे समय तक फास्ट रख सकता है बेटा ओके सो इन दिस वे यू हैव टू कंप्लीट एक्सरसाइज थ्री एंड एक्सरसाइज फाइव सो प्लीज डू नीडफुल करेक्शन बेटा ओके नाउ लेट सी योर होमवर्क फॉर टूडे सो इन होमवर्क बेटा यू हैव टू राइट ऑल द शॉर्ट फॉम्स इन योर नोटबुक आपको जो सारी शॉर्ट फॉर्म्स जो मैम ने आपको कराई हैं बुक में ओके okay, चैप्टर में सो यू हैव टू राइट ऑल द शॉर्ट फॉर्म्स इन योर नोट बुक और यू कैन मेक अ टेबल ऑल्सो बिटा ओके आप उसका टेबल भी बना के लिख सकते हो शॉर्ट फॉर्म्स का ओके okay? शॉर्ट फॉर्म्स को टेबल में भी बना के लिख सकते हो सो एज़ यू विश कि आपको टेबल बना के लिखना है या फिर सिंपल वे से आप बना के लिखना चाहते हो सो so आप सिंपल वे से भी लिख सकते हो टेबल बना के भी ओके आपको सारी शॉर्ट फॉर्म जो आपकी चैप्टर में दी हुई है वो लिखनी है ओके सो एंड प्लीज़ डू लर्न ऑल द शॉर्ट फॉर्म्स आपको उन्हें लर्न भी करना है बेटा ओके सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल